मेरी फर्म का नाम पर्क आर्ट ज्वेल्स है. मेरा नाम अशोक कुमार है. एक्चुअली हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, जिसमें कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, नेकलेसेस, बेंगल्स, इस टाइप के बेंगल्स है, नेकलेसेस है, टॉप्स हैं. एक्चुअली क्विकसेल जब आपके रिप्रेजेंटेटिव आए थे मुझे डेमो देने के लिए, तो उस वक्त से जस्ट समझो कि हफ्ता भर पहले या 15 दिन पहले मैं प्लान कर रहा था कि मेरी एक ऐप बना दूँ, क्योंकि हम वेबसाइट से ऑर्डरिंग वगैरह नहीं कर पा रहे थे. तो मैं सोच ही रहा था कि ऐप बनाऊँ. मैंने मीटिंग भी फिक्स की थी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कि वो इत्तेफाक से आपका रिप्रेजेंटेटिव आया और फिर मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने, और अगर मैं कोई ऐप बनाता तो उसका जो मेंटेनेंस या एक्सपेंस है उससे कई गुना बेटर है क्विकसेल. वेबसाइट मेंटेन करने में थोड़ा इशू आता था कि उसमें प्रोडक्ट अपलोड करना, प्रोडक्ट निकालना, आउट ऑफ स्टॉक करना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था इतना, कि जैसे कस्टमर कुछ नए कस्टमर भी जुड़ते हैं जैसे फेसबुक के थ्रू, या तो उनको फेसबुक पे या इंस्टा पे, उस पर तो हम मतलब पूरे प्रोडक्ट शो नहीं कर पाते. जैसे कोई कस्टमर से कनेक्ट होता है तो हमारी हमारे शॉप का ट्रेलर, हमारे प्रोडक्ट का ट्रेलर देने के लिए हम क्विकसेल का एक लिंक भेज देते हैं उनको, वो पूरा प्रोडक्ट उसमें देख लेते हैं. इतना ईजी और कम्फर्टेबल है. जब से ये आया तब से हम वेबसाइट वगैरह कम मेंटेन करें, बस वेबसाइट पर हमारा बैनर है और कुछ प्रोडक्ट लगे हुए, जैसे व्हाट्सएप आया, अभी क्विकसेल आया. तो जैसे जैसे ये चीज़ आई तो हमारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. मैं सैंपल लेके जाऊँगा तो कितना लेके जाऊँगा, एक बैग, दो बैग, मेरे पास तो 1000 प्रोडक्ट है. कस्टमर को शो करना है यहाँ बैठे बैठे. अगर मैं शो भी करूँ, सपोज करो मैं अगर बैग लेके भी जाता हूँ या किसी को भेजता हूँ बैग लेके भी, तो कितना दिखा देगा सैंपल. तो व्हाट्सएप से हम पिक्चर्स भेजते थे, एक एक पिक्चर भेज दो, तो मतलब कस्टमर इरिटेट हो जाता था. वो बोलता है मेरा मोबाइल फुल हो रहा है, मेरे मेमोरी नहीं. कई कस्टमर डाउनलोड भी, जैसे किसी को भेजा हमने पिक्चर्स, तो कई कस्टमर डाउनलोड भी नहीं करते थे, बोले मेमोरी जा रहा है, ये जा रहा है, डेटा जा रहा है, वो जा रहा है, मतलब इतना. अब क्या हो रहा है, किसी को भी ज़रूरत है क्विकसेल के थ्रू सीधा क्लिक करता है, उसको पूरा प्रोडक्ट डिटेल मिल जाता है. जैसे मेरे केरला का भी कस्टमर है, अब केरला के कस्टमर को यहाँ तक आने में उसको मतलब कई बार 3-4 महीने ले जाते हैं. दुकान तो चलानी है उनको, नए प्रोडक्ट्स तो डालने हैं अपने स्टोर के अंदर, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल है. सबसे ज़्यादा हमारे ये यूज़ करने वाले वही कस्टमर है जो जिनका यहाँ आना रेयरली होता है. तो हमारा ऑल ओवर इंडिया से जो होलसेलर है, चलो आप कोई भी सिटी ले लो, नागपुर ले लो, अहमदाबाद ले लो, जयपुर ले लो, वहाँ के जो होलसेलर होते हैं वो हमारे पास मुंबई में आते हैं, वैसे कस्टमर है हमारे पास. जैसे कोई अपलोड करते किसी भी कैटलॉग पे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आता है. तो कस्टमर फ्रीक्वेंटली, जो कस्टमर जिनको हमने लिंक भेजा हुआ है वो अपने पास सेव रखते हैं उसको, और फ्रीक्वेंटली वो देखते रहते हैं कस्टमर. तो जब देखते हैं तो उनको जो न्यू अपडेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर दिख जाते हैं. फर्स्ट टाइम जब हमने लिया तो इंडिविजुअली के कस्टमर को हमने मैसेज किया था, हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखा था, तो स्टेटस पे जाके कस्टमर क्लिक करता था तो उसको ओपन होता था. यहाँ पे कस्टमर आते तो इंडिविजुअल उनको उनके मोबाइल पे इंस्टेंटली भेज के हम बताते, देखो ये चीज़ है, आपको हमारे अपडेट्स इस पर मिलेंगे हर बार. ये कस्टमर, अब हमारे पास कस्टमर कम से कम 4-5 हज़ार कस्टमर है, तो हर कस्टमर को इंडिविजुअली पिक्चर्स नहीं भेज सकते. लिंक हमने सबको शेयर किया हुआ है क्योंकि उसमें शॉर्ट मैसेज जाता है लिंक के लिए, पिक्चर्स इतने शेयर नहीं कर सकते हम एक साथ. तो ये यूज़फुल है कि उसको लिंक शेयर किया, 5000 कस्टमर है, अब हर कस्टमर को अलग से हम पिक्चर्स नहीं भेज सकते, लेकिन एक बार शेयर कर दिया, टेंशन ख़त्म. कस्टमर ने हमको जब ऑर्डर किया तब तो हम इम्प्रेस होते हैं, और कस्टमर को जो प्रोडक्ट दिखता है तो कस्टमर इम्प्रेस होते हैं. उनको अच्छे से प्रोडक्ट दिखते हैं, ईजिली दिखते हैं, सर्फ ईजिली होते हैं, तो कस्टमर इम्प्रेस होते हैं, और हमको जब ऑर्डर मिलता है तो हम इम्प्रेस होते हैं. तो दोनों तरफ यूज़फुल है ये. तो मतलब फीचर्स ओवरऑल आपके क्विकसेल के आने के बाद हमको काफ़ी कम्फर्टेबल लगा, एवरीथिंग ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए बनाया है ये, हमने जैसे बोला वैसे ही बनाया है.